फोर क्वेश्चन नंबर टू, अ सॉल्यूशन रिएक्ट्स विद क्रश्ड एग शेल्स टू गिव अ गैस दैट टर्न्स लाइम मिल्की, लाइम वाटर मिल्की। अब बच्चों जरा ध्यान से चेक करिए क्या किया, अ सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन हमने लिया ठीक है ना, और इसको रिएक्ट कराया किसके साथ, क्रश्ड एग शेल्स के साथ ठीक है, मतलब जो अंडे के छिलके होते हैं ना, जो अंडे के छिलके निकलते हैं उसके साथ हमने रिएक्ट करा दिया। अब बच्चों देखिए एक बात समझिए जरा, आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि क्रश्ड एग शेल्स में क्या होता है, जो व्हाइट कलर का आपको अंडे का छिलका दिखता है, क्रश्ड एग शेल्स जो होती हैं ठीक है, उसमें क्या होता है, तो जवाब है कैल्शियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो सभी बच्चे याद रखें कि क्रश्ड एग शेल्स में क्या होता है आपका, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला सबको पता है, CaCO3, ये होता है इसमें कैल्शियम कार्बोनेट ठीक है। अब ये जो सॉल्यूशन है ये रिएक्ट कर रहा है क्रश्ड एग शेल्स के साथ और टू गिव अ गैस दैट टर्न्स, अच्छा हमको क्या मिलती है, हमको एक गैस मिलती है, और गैस की खासियत क्या है, गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की ठीक है, जो कि लाइम वाटर को मिल्की कर देती है। अब बच्चों कौन सी ऐसी गैस है जो कि लाइम वाटर को मिल्की कर देती है, जवाब है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। याद है आप लोगों को, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो लाइम वाटर को मिल्की कर देती है, यही तो कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट है ठीक है। भूल चुके हैं आप लोग, ध्यान से चेक करो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 जो होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब हम इसको लाइम वाटर में डालते हैं, लाइम वाटर क्या है, एक्वस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ठीक है, तो CaOH होल ट्वाइस ठीक है, एक्वस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ठीक है, ये आपका क्या है, लाइम वाटर। और जब आप CO2 को लाइम वाटर में पास करते हैं तो आपको कलर कैसा दिखाई पड़ता है, मिल्की कलर दिखाई पड़ता है। क्यों मिल्की कलर दिखाई पड़ता है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट वहां पर बनने लगता है, सॉलिड कैल्शियम कार्बोनेट वहां बनने लगता है और साथ में वाटर तो यहां पर बनेगा ही ठीक है ना। अब बैलेंस वैलेंस हम लोग बच्चों इसको नहीं कर रहे हैं, वो आप देख लीजिएगा ठीक है। बस मैं आपको यहां पर ये बताना चाहता हूं कि यहां पर जो इवॉल्व हो रही है गैस वो कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस सही है। अब ध्यान से समझिए, कह रहा है कि द सॉल्यूशन कंटेन्स, सॉल्यूशन में क्या होगा, तो सुनो फिर से सुन लो, सॉल्यूशन लिया आपने और सॉल्यूशन को किससे रिएक्ट कराया आपने, एग शेल से, एग शेल से ठीक है। यानी कि ध्यान दें, मिला क्या आपको, मिला आपको एक ऐसी गैस जो लाइम वाटर को किसमें चेंज कर देती है, बताइए लाइम वाटर को किसमें चेंज कर देती है, मिल्की कलर में ठीक है। ये कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से कलर कैसा आता है आपका, मिल्की आ जाता है करेक्ट। तो ध्यान से चेक करो, सॉल्यूशन लिया एग शेल्स के साथ रिएक्ट कराया, कार्बन डाइऑक्साइड निकली, ये तो कंफर्म है करेक्ट। अब आपको बताना है कि इस सॉल्यूशन में क्या है, तो आप देखो एक चीज तो पहचान गए हो, क्या पहचान गए हो कि एग शेल्स में क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, एग शेल्स में क्या है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, और गैस कौन सी निकल रही है, ये गैस निकल रही है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। अब एक बात बताइए, आपने क्लास में रिएक्शन पढ़ी हुई है, क्या पढ़ी है, जब मेटल के कार्बोनेट्स को एसिड के साथ रिएक्ट कराया जाता है, जब मेटल के कार्बोनेट्स को एसिड के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है ठीक है, वहां पर सॉल्ट बनता है और वहां पर वाटर बनता है। तो हम यहां पर पूरी रिएक्शन लिखते हैं बच्चों, ध्यान से चेक करिए, जब आप एसिड को रिएक्ट कराते हैं किसके साथ, मेटल कार्बोनेट्स के साथ, मेटल मेटल कार्बोनेट्स के साथ, तो आपको क्या क्या मिलता है याद करिए, आपको मिलता था कार्बन डाइऑक्साइड गैस, आपको मिलता था सॉल्ट ऑफ द मेटल, मेटल का सॉल्ट मिलता था, और साथ में मिलता था आपको वाटर यहां पर ठीक है। अब देखिए इनमें रिएक्टेंट साइड में आपको दोनों चीजें मिल, आपको रिएक्टेंट साइड में क्या मिल गया है, आपको रिएक्टेंट साइड में मेटल कार्बोनेट, देखो एग शेल्स में क्या है, मेटल कार्बोनेट है, तो मेटल कार्बोनेट भाई कैल्शियम का कार्बोनेट है ना, कैल्शियम ग्रुप नंबर 2 में आता है, कैल्शियम तो आपका मेटल ही है ना, तो कैल्शियम कार्बोनेट ये मेटल कार्बोनेट है। यानी कि जो सॉल्यूशन है पक्का क्या होना चाहिए, एसिड, क्योंकि थोड़ा थोड़ा कंफर्म हो रहा है कि CO2 तो हमको मिल ही रही है ठीक है ना, साथ में सॉल्ट और वाटर भी मिल रहा होगा, वो भी हम आपको पूरा बना के दिखा देंगे, लेकिन यहां पर बच्चों जो आपको पता चल रहा है कि ये पक्का सॉल्यूशन में क्या होगा, एसिड होगा, पक्का सॉल्यूशन में क्या होगा, एसिड होगा। अब ऑप्शन में आप जाके देख लीजिए बच्चों कि ऑप्शन में एसिड कहीं पे दिया हुआ है, यस, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट है, लिथियम क्लोराइड सॉल्ट है और पोटेशियम क्लोराइड सॉल्ट है। एसिड आपका क्या हो गया, HCl हो गया ठीक है, ये हो गया आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड ठीक है। अब पूरी रिएक्शन अगर हम आपको यहां पे दिखाना चाहें तो ध्यान से बच्चों चेक करो, एसिड की जगह आएगा आपका HCl ठीक, मेटल कार्बोनेट क्या है यहां, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और गिव्स ठीक है, क्या क्या मिलता है, CO2 जो कि हमको मिल ही रहा है, और ये CO2 क्या करता है, लाइम वाटर को मिल्की कलर में चेंज कर देता है, मिल्की क्यों जाता है कलर, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट बनता है ठीक है ना। चलो और साथ में क्या मिलता है, सॉल्ट। तो बच्चों ध्यान से चेक करिए, कैल्शियम का सॉल्ट बनाइए, कैल्शियम यहां से मिलेगा Ca2+ और Cl- यहां से मिलेगा ठीक भाई, चेक करो ना, Ca2+ आपको यहां से मिलेगा कैल्शियम कार्बोनेट से Ca2+, और क्लोराइड आयन यहां से मिलेगा तो CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, ये बन गया आपका सॉल्ट, और साथ में यहाँ पे वाटर आपका बनेगा ठीक है। बैलेंस वैलेंस बच्चों करना हो तो मेरे ख्याल से कुछ इस तरीके से बैलेंस हो जाएगी यहाँ पर 2 लगा के ठीक है, वो सब आप लोगों ने क्लास में पढ़ा है उसको आप देख सकते हैं। बस मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहता था कि सॉल्यूशन में पक्का क्या अवेलेबल है, एसिड अवेलेबल है, कोई डाउट है बताइए हाँ ठीक है। तो ये रिएक्शंस भी हमने आपको दिखा दी, यहाँ रिएक्शन नहीं दिखानी थी, बस आपको आंसर देना था ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए।